और देखिए आज मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, ये रसगुल्ला चैलेंज कर रहे हैं। ये देखिए ये लोग रसगुल्ले ले रखे हैं। एक्चुअली मैंने जो बर्थडे रसगुल्ले बनाए थे तो वही रखे हुए थे, तो कह रहे हैं मम्मी रसगुल्ला चैलेंज करेंगे। और पता है आज सुबह से काफ़ी मूड अपसेट था, सो मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ा फन करते हैं बच्चों के साथ। तो आप लोग देखिए, बिल्कुल आपको मैं एक भी पॉइंट स्किप नहीं करूँगी, पूरा आप लोगों को दिखाऊँगी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करो, देखते हैं कौन पहले खाता है। ये देखिए, क्योंकि मेरा बेटा मीठा खाने में नंबर वन है, और देखते हैं बेटी कब खाती मीठा, बट देखते हैं आज क्या चैलेंज में कौन दोनों में से। देखती हूँ मैं अभी, देखिए आपको बताती जा रही हूँ, अभी तो दोनों लोग इक्वल है, देखते हैं कौन फटाफट खाता है। और देखते हैं, क्योंकि मेरी बेटी को ना वही एक ही खाना तो है, पर चैलेंज के साथ देखते क्या होता है, नहीं तो मीठा कम खाती है। अंश तो मेरा ख़त्म कर देगा, मुझे मालूम है अंश के बारे में, क्योंकि वो दिन भर में ऐसे ही दो चार पांच तो खाई जाता है रसगुल्ले। देखते हैं क्या होता है, आप लोग भी देखिए मेरे साथ देखते जाइए। और अंशु का एक ख़त्म हो चुका है, और अंश ने भी एक फिनिश कर दिया है अपना। और देखिए, अरे वाह, ये तो बहुत अजीब चीज़ हो गई, मेरी बेटी जीत गई। और देखिए आप उसकी कटोरी देख सकते हैं, उसने पूरा रसगुल्ला खा लिया। ये देखिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है, पूरा फिनिश हो गया है। और मेरे बेटे की बची हुई है, बट फिर भी कोई नहीं यार, बच्चे खुश हैं तो ठीक है। और क्या नाम है, आप लोग जरूर बताइएगा आप लोगों को चैलेंज कैसा लगा। मैंने सोचा कुछ आज डिफरेंट करते हैं, बिकॉज डेली वही ब्लॉगिंग में घर का काम काज दिखाते दिखाते भी बोर हो जाते हैं, और थोड़ा मूड भी सुबह ठीक नहीं था, इस वजह से मैंने किया। आप देखिए शुरू हो गई मस्ती लोगों की, और मेरी बेटी जीत चुकी है। तो चलिए बस आज का ये वीडियो मैं इतना ही रखूँगी, फिर भी लूँ किसी अच्छे से वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा, और आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि मेरे बच्चों का चैलेंज कैसा लगा आप लोगों का, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी स्टार्ट हुआ और बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। मुझे यकीन नहीं था कि मेरी बेटी इतनी रसगुल्ले खा लेगी, बट उसने खा लिए। चलिए, वो कहते हैं ना कि जब कोई भी कॉम्पिटिशन होता है तो उसमें ये मैटर नहीं करता है कि कोई चीज़ पसंद है कि नहीं पसंद है, इंसान को अपने जीत से मतलब होता है। वही आज मेरी बेटी ने किया, मैं खुश हूँ इस चीज़ के लिए। तो चलिए ओके, मैं रखती हूँ, फिर भी लूँ किसी अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। आप सभी बेटा आप लोग भी सबसे बाय करो, बाय बाय, ओके।